वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स विद दिस सेशन वी आर स्टार्टिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एलजेप्रा दैट इज़ इंडिसिज एंड सर्ड्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी जीरो एब्सोलूट जीरो सारी चीज़ों को बेसिक से समझेंगे तो अपना जो भी प्री कॉन्सीव नोशनस हैं इंडिस और सर्ड्स के या तुम्हारा जो भी फियर है इन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड पर रख के सारी बातों को शुरुआत से ध्यान से सुनना सब कुछ समझ में आएगा और इसके बाद में नेक्स्ट सेशन से जो भी हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं सब कुछ तो हमें समझ में आएगा कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक में इस चैप्टर में बट मेक श्योर कि यू िसन टू एवरीथिंग दैट इज से इन दिस सेशन वेरी केयरफुल हर एक बात को ध्यान से सुनना और समझना तो सारी बातें समझ में आएंगी और साथ में तुम्हारा और भी बेसिक्स जो है वो कवरअप हो जाएगा चलो स्टार्ट करते हैं सो द टॉपिक इज इन डिस ऑफ ऑल वॉट इज एन इंडेक्स ठीक है इंडिसेस इज बेसिकली प्लूरल फॉर इंडेक्स इंडिसेस इज प्लूरल फॉर इंडेक्स और इंडेक्स क्या होता है इंडेक्स इज पावर पावर ऑफ ए नंबर अस से वी राइट टू टू द पावर थ्री दिस थ्री इज द इंडेक्स और पावर ऑफ बेस वैल्यू और बेस वैल्यू क्या है हमारा बेस इज टू और टू क्यूब क्या होगा टू क्यूब इंप्लाइज टू इंटू टू इंटू टू सो इक्वल टू एट परपज क्या था इंडेक्स क्यों इंडेक्स का एक कॉन्सेप्ट एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया एल में देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि वॉट इज हमने एडिशन देखा सब्ट्रैक्शन देखा तो सभी को पता है एडिशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन परपज क्या है सबसे पहले द मोस्ट बेसिक ऑपरेशन आर एडिशन एंड सब्ट ओके नाउ लेट अस से वी हैव टू हैड नंबर इन टू इट सेल्फ ऑलमोस्ट टेन टाइम्स टेन टाइम्स हमें ऐड करना है से वी है तो हम क्या करेंगे फोर को टेन टाइम्स लिखेंगे फिर ऐड करेंगे हर बार और उसके बाद में अपना रिजल्ट निकालेंगे रिजल्ट तो so? सबको पता है फोर्टी आएगा बट द पॉइंट इज की अगर हमें किसी नंबर को बार 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 ऐड करना है सो इजेंट इट बेटर इफ वी हैव समरेशन जिससे कि हम एक बार में पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लें सो दैट इज वाई हाउ मल्टीप्लीकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड

Uh, इस बात को समझे नहीं थे या एग्जैक्टली uh, क्लियर exactly नहीं था बाकी पता तो था ही. कि रेपिटेटिव एडिशन दैट इज मल्टीप्लीकेशन सो वी यूज मल्टीप्लीकेशन सो दैट वी डू नॉट हैव टू एड सिमिलरली अगर हमें कहीं पर मल्टीप्लीकेशन बार बार करना हो बार बार टू मल्टीप्लाई फोर टेन टाइम्स सो अगेन फॉर दिस दिस विल बी इन शॉर्ट दिस कैन बी रिटर्न एस फोर टू दार्ट टेन ये so, जो हमारा इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है ये इसीलिए निकाला गया सो दैट इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई रिपीटेटिवली सो रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन की जगह पे वी यूज एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स ठीक है दिस सेम थिंग इज कॉल्ड एज पावर एक्सपोनेट और इंडेक्स ठीक है दिस चैप्टर वी आर कॉलिंग इट इंडेक्स बट पावर एक्सपोनेंट और इंडेक्स एंड जिस नंबर का यह पावर है दैट नंबर इज कॉल्ड बेस दैट नंबर ज कॉल्ड बेस क्या ये बात क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत ओके okay. ठीक है नाउ इन ज्योमेट्री इफ वी हैव अ स्क्वायर और उस स्क्वायर का एक डायमेंशन ए है सेकेंड डायमेंशन भी ए होगा बिकॉज स्क्वायर की साइड सेम होती है ठीक है तो एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर ठीक है ए टू पावर टू बट टू पावर टू को हम क्या कहते हैं स्क्वायर कहते हैं क्यों कहते हैं बिकॉज दिस रिप्रेजेंट एरिया ऑफ ए साइड इज इफ साइड इज देन दिस रिप्रेजेंट एरिया टू एज ए स्क्वायर वॉट द पॉइंट सिमिलरली इफ यू हैव ए क्यूब ऑफ डायमेंशन ए क्यूब है जिसके की सारी कि सारी डायमेंशन ए है ए ए and then this is also a, so in that case, volume kya ho Volume will be a to the power 3, a into a into a, into a into a into a, which is a to the power 3, and that is why this is called cube, power 3 is called cube, because this is representing volume of a cube. Is that part clear? Now, there was a mathematician, Descartes, name important not important, but just in case, history clear, ठीक है अ मैथमेटिशियन डेकार्ट जिसने सबसे पहले एक्सपोन uh, या पावर को इस्तेमाल करना शुरू किया ही स्टार्टेड इट ठीक है सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिप्रेजेंटेड पावर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट एक्सपोन ए क्यू बेटू पार फोर एंड सो ऑन बट वॉट दिस ओनली फॉर द नेचुरल नंबर्स ओनली फॉर द नेचुरल नंबर पावर्स ओके यानी कि ए क्यू बेटू पार फोर ए टू दाइव ए टू देन न्यूटन न्यूटन ने कहा कि जब हम इनको पॉजिटिव नंबर्स के लिए सारे के सारे इंटीजर्स के लिए कर सकते हैं तो क्यों फ्रैक्शन के लिए ना करें क्यों नेगेटिव नंबर्स के लिए ना करें तो न्यूटन ऑल्सो इंट्रोड्यूस दीज पावर्स फॉर फ्रैक्शन नंबर्स फॉर फ्रैक्शन नंबर्स ओके फॉर एग्जाम्पल वी रिप्रेजेंट फाइव टू द पावर वन बाई टू अब यहां पे पावर क्या है दिस पावर इज फ्रैक्शनल पावर दिस इज अ फ्रैक्शनल पावर एंड दिस इज ऑल्सो अ थर्ड फ्रैक्शनल पावर ऑफ अ नंबर इज अ सर्ड नॉट ऑलवेज नॉट ऑलवेज डिपेंड करता है कि उसका जो रिजल्ट है फॉर एग्जाम्पल फोर टू द पार वन बाई टू दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शनल पावर ऑफ अ नंबर बट दिस विल नॉट बी अड बट वो काम थोड़ा सा पांच मिनट बात करेंगे हम लोग कि विच इज अर्ड विच इज नॉट अ सर्ड बट ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर हमारा पावर इंटीजियर है सो दैट इज एक्सपोनेंट और इंडेक्स और अगर पावर फ्रैक्शनल है तो वो सर्ड वाले कैटेगरी में चला जाता है रूट वाले कैटेगरी में चला जाता है रेडिकल वाले कैटेगरी में चला जाता है ओके, इज दैट पार्ट क्लियर अब एक दो बातों को डिस्कस कर लेते हैं एक दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं इंडेक्स की और उसके बाद में फिर सर्ड पर डिस्कशन करते हैं क्या यहां तक बात समझ में आती ठीक है इज दैट क्लियर नॉलेज से वी हैव टू क्यूब ना विनो की टू क्यूब क्या होगा दिस इज टू इंटू टू इंटू टू मल्टीप्लाई टू क्यूब इंटू टू टू दाइव

into n to the power b is equal to n to the power a plus b is that logic clear clear okay fine similarly if we have 2 to the power 8 let us say and we divide it by 2 to the power 3 2 to the power 8 divide 2 to the power 3 say 2 to the power 8 multiply 2 8 times multiply ठीक है इन सब चीजों को याद नहीं रखना है समझ लोगे तो कभी भी याद नहीं रखना पड़ेगा और याद नहीं रखना पड़ेगा तो गलती नहीं करोगे कभी अब डिवाइड कर रहे हैं टू क्यूब से न्यूमरेटर में वी हैव टू द पार एट और डिनोमिनेटर में टू टू पार थ्री अब यह थ्री टू टू कैंसिल आउट हो जाएंगे स्ट्रेट अवे बचेंगे सिर्फ और सिर्फ फाइव टू द पावर एट माइनस थ्री विच इज टू टू दाइव बिकॉज डिनोमिनेटर में भी थ्री थे तो वो सप्रैक्ट हो गए ठीक है सो इन जनरल वी कैन से दैट एन टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एन टू द पावर बी विल बी इक्वल टू एन टू द पावर ए माइनस बी एन टू द पावर ए माइनस बी क्या ये पार्ट क्लियर है ओके okay. ठीक है अब कोई क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है जहां पे कि हमारा इनिशियल जो वैल्यू है टू द पावर जीरो हो न्यूमरेटर में और डिमोमिटर में हो टू का क्यूब टू द पावर जीरो का मतलब क्या हुआ किसी भी नंबर की पावर जीरो का मतलब क्या हुआ दिस इज इक्वल टू वन सो न्यूमरेटर इज वन एंड डिनोमिनेटर इज टू इंटू टू इंटू टू यहां पे भी तो सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे अपन ठीक है ना सो दिस विल बी टू पावर जीरो माइनस थ्री विच इज टू टू द पावर माइनस थ्री सो हाउ निगेटिव पावर आर देयर टू दावर माइनस थ्री का मतलब क्या हुआ दिस इज वन अपॉन टू क्यूब और एन टू द पावर माइनस ए रिप्रेजेंट वन अपॉन एन टू द पावर ए और क्योंकि वन की कोई भी पावर रखो वन टू द पार ए इज इल्सो इक्वल टू वन वन टू द दन इज ऑल्सो इक्वल टू वन वन टू द इज ऑल्सो इक्वल टू वन दिस कैन एज ऑल बाई एंड टू द होल पावर पावर ए ए बिकॉज की भी one होगा one की पावर भी, भी one होगा सो दिस शुड ऑल्सो भी दिस पार्ट क्लियर ठीक है ये भी बात समझ में आनी चाहिए इज दिस क्लियर ओके नो एक और छोटी सी बात छोटी मगर मोटी बात कि लेटेस्ट से बी है टू क्यूब टू द होल स्क्वायर ठीक है अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग के सारे डाउट छोड़ के इस बात का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ टू क्यूब टू होल स्क्वायर दिस स्क्वायर मीन्स दिस स्क्वायर मीन्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि वी आर मल्टीप्लाइंग दिस टू टाइम्स हम इसको दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज टू क्यूब इंटू टू क्यूब इज अंडर क्या बात समझ में आती है दिस इज टू क्यूब इंटू टू क्यूब है कि नहीं ठीक है सो so, अगर टू क्यूब इंटू टू क्यूब है तो मतलब क्या हुआ इसका क्या कह सकते हैं दिस विल बी टू टू द पावर थ्री प्लस थ्री विच इज टू टू दिक्स ओके बट इन अगर यहीं पर रिप्रेजेंटेशन हमारा हो टू टू द पावर थ्री टू द पावर टू नाउ दिस इज डिफरेंट दिस वॉज डिफरेंट दिस इज डिफरेंट दे आर नॉट द सेम इस बार इंटरप्रिटेशन क्या है दिस इंडेक्स दिस पावर टू इज ऑन थ्री थ्री पे है दिस इज ऑन थ्री ठीक है सो इन एनी सच केस अगर हमें कभी वैसा गिवन दिस इज नॉट इक्वल टू टू क्यूब टू द होल स्क्वायर दिस इज नॉट इक्वल टू दैट ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे बी कैलकुलेटिंग फर्स्ट स्क्वायर सबसे पहले थ्री स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे बिकॉज इस बात का मतलब क्या हुआ ध्यान से मेरी बात को सुनना पहले वाले केस हमने क्या किया टू क्यूब होल स्क्वायर और स्क्वायर यानी पावर का मतलब क्या होता है रिपिटेटिव मल्टीप्लीकेशन यानी कि वी आर मल्टीप्लाइंग टू क्यूब टू टाइम्स ये मतलब हुआ सेकेंड वाले केस में हमारा टू टू पावर थ्री टू द पावर टू अभी जो थ्री का पावर टू है दैट इज द पावर ऑफ टू दैट इज द पावर ऑफ टू यानी कि दिस इज बेसिकली टू टू पावर थ्री स्क्वायर ओके सो ये जो पावर हमारा है इस बार क्या है थ्री स्क्वायर है और थ्री स्क्वायर क्या होता है नाइन होता है सो दैट इज वाई दिस इज टू टू द पावर नाइन

बट इस बार प्रॉब्लम क्या है इस बार पावर की पावर की पावर है ठीक है तो so, सबसे पहले क्या करेंगे हमेशा वी बी कैलकुलेटिंग अपसाइड डाउन क्यों अपसाइड डाउन कैलकुलेट करेंगे बिकॉज यहां पे क्या है सबसे पहले हमारा नंबर क्या है थ्री टू द दू टू द द्री टू द बट प्रॉब्लम क्या है इस टू में भी ये जो टू है हमारा इस टू की भी तो पावर है है कि नहीं अब कितना पावर है इस टू का वो कैलकुलेट कैसे हो पाएगा जब हम इस नंबर को कैलकुलेट करेंगे विच इज थ्री का स्क्वायर विच इज थ्री का स्क्वायर ओके सो हमेशा कैलकुलेशन अपसाइड डाउन करेंगे बेसिकली दिस इज थ्री टू power टू to टू power टू अब इस पार्ट पे फोकस करो दिस पार्ट टू की पावर कितनी है थ्री स्क्वायर थ्री स्क्वायर इज नाइन सो दिसन और टू टू पार्ट नाइन होता है फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व सो दिस विल बी थ्री टू पावर फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व नंबर क्या है कभी इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्सेप्ट क्या है यह समझ आना चाहिए ठीक है सो इन जनरल वी कैन राइट दैट सम नंबर

ज वेन ए इज नॉट इक्वल टू बी ठीक है इफ ए इज इक्वल टू बी तब तो फिर इक्वल हो जाएगा क्योंकि तब बातें अलग हो गई अदरवाइज दिस इज नॉट इक्वल पावर्स नॉट कम्पिटेटिव इन शॉर्ट क्या यहां तक बात समझ में आती है इफ द इज एनी डाउट व्हाट्स एवर मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट क्या ही बात क्लियर है यहां तक ओके okay. अब बात करते हैं रूट्स रेडिकल्स और सर्ट्स की रूट्स रेडिकल्स एंड सर्ट्स सो एज वीव सीन फ्रैक्शनल पावर्स की हमने बात की तो फ्रैक्शनल पावर्स आर रूट्स और रेडिकल्स और सर्ट्स ठीक है सो इन जनरल व्हाट हैपेंस कि लेट अस से देर इज समथिंग स्क्वायर ठीक है और स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया गिवन है हमें एंड एरिया इज ट्वेंटी और क्वेश्चन पूछे कि डायमेंशन क्या होगा इफ एरिया इज ट्वेंटी वट विल बी द डायमेंशन बिकॉज अगर हमने स्क्वायर बनाया है तो स्क्वायर डायमेंशन सही तो बनाया होगा ठीक है डायमेंशन सही तो बनाया होगा सो इफ एरिया इज ट्वेंटी डायमेंशन क्या होगा क्योंकि एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है सो इफ ए स्क्वायर इज ट्वेंटी हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव और इन जनरल डायमेंशन क्या होगा फाइव

फॉर रिप्रेजेंटिंग दीज वैल्यूज जब हमें ओरिजिनल रूट चाहिए जहां से पूरा स्क्वायर बना है ओरिजिनल रूट चाहिए जहां से पूरा क्यूब बना है सो फॉर दो वैल्यूज फॉर दो जैसे कि ट्री का रूट होता है ना एक रूट से ट्री बना पूरा का पूरा जैसे कि रूट वर्ड होते हैं जिससे कि वर्ड्स बनते हैं सिमिलरली टू मेक अ स्क्वायर टू मेक अ क्यूब टू मेक सम पावर सो वॉट वॉज द रूट नंबर सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड रूट द डायमेंशन द ओरिजिनल डायमेंशन दैट इज कॉल्ड रूट जब भी हम फ्रैक्शन पावर्स निकालते हैं सो तो उनको हम कहते हैं रूट्स और रेडिकल्स और सर्ड्स क्या ही बात समझ में आती है अब पाइथागोरस ने जब ये चीजें स्टार्ट की ठीक है तो उनको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एहसास हुआ उससे पहले जब वो सारे के सारे नंबर्स पे एडिशन करते थे करते थे तो उनको या तो नंबर्स सारे के सारे होल 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 नंबर्स 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 मिलते थे का मतलब क्या हुआ केन टू थ्री एंड सो ऑन सो इधर दे गॉट ऑल द होल नंबर्स और दे गॉट अ रेशियो ऑफ रेशियो और फ्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स फ्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स बट अब यहां पे एरिया लेट अस से दे टू का स्क्वायर एंड एरिया ऑफ दैट स्क्वायर इज टू स्क्वायर यूनिट्स इफ एरिया इज टू यूनिट्स ठीक है इफ एरिया इज टू यूनिट्स देन व्हाट विल बी डायमेंशन डायमेंशन क्या होगा उनका तो डायमेंशन होगा रूट टू बट प्रॉब्लम यह है रूट टू ना तो एक होल नंबर है ना ही फ्रैक्शन है रूट टू इज नीदर अ होल नंबर नॉर अ फ्रैक्शन तो पहली बार उनको ये रियलाइज हुआ The first time they realized that this is neither a fraction nor a whole number, which implies this is not a rational number, because rational number hai? Rational number is any number, any number which can be represented in the form p by q, where q is not equal to zero and p and q are integers. P and q are integers. So if p and q are integers and q is not equal to zero, then that number is a rational number if that can be represented in the form of p by q.

या फिर एंड हो रहा है कहीं पे सो दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर इेशनल नंबर क्या होगा इेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ रेशो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेशो और इफ इट इज इन डेसिमल फॉर्म देन दिस विल बी non-repetitive and non-ending, okay? non-repetitive, non-ending decimal. For example, pi. Pi is irrational number. Also, root 2, root 3. So, these are also irrational numbers. Okay? So, all these values are रूट टू एंड रूट थ्री दीज आर ऑल्सो रूट्स और रेडिकल्स सर्ड्स और रूट में क्या फर्क होता है कोई भी नंबर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल रूट फोर इज ऑल्सो रूट बिकॉज रूट फोर का रूट क्या आएगा टू आएगा सो दिस इज ऑल्सो अ रूट ठीक है बट दिस इज नॉट अ सर्ड तो सर्ड में एक एडिशनल चीज है अपार्ट फ्रॉम रूट दैट एनी सर्ड इज अ फ्रैक्शनल पावर फ्रैक्शनल पावर

रूट सिक्स हमारा है? So so तो क्या है दिस इज रूट ऑफ टू इंटू थ्री तो दिस इज रूट टू इंटू रूट थ्री था सर्ड अगर दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करोगे ओके अब एक और एग्जाम्पल ले लें रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव यानी कि ट्वेंटी फाइव टू दावर वन बाई थ्री दिस इज ऑल्सो अड बिकॉज ट्वेंटी फाइव का वन बाई टू पावर करते हैं स्क्वायर रूट निकालते तब तो हमें फाइव मिलता बट क्यूब रूट एक्सर्ड होगा बिकॉज दिस इज अगेन एन इेशन नंबर क्या ये पार्ट क्लियर है ओके दिस इज अगेन एन इेशन नंबर ओके ठीक है कोई दिक्कत सो so, क्या बातें हमने अब तक समझी देखो अगर हमें पावर गिवन है अगर सिर्फ और सिर्फ हम रूट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इफ यू आर राइटिंग रूट ऑफ फाइव सो दिस इंप्लाइज कि दिस इज फाइव टू द पावर वन बाई टू फाइव टू द पावर वन बाई टू दिस रेडिकल एलोन दिस रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट और जैसे हमने स्क्वायर के कैसे बोला था वैसे स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ कि हम अल्टीमेटली ये दिखा रहे हैं कि इफ सम स्क्वायर हैज एरिया इक्वल टू फाइव स्क्वायर यूनिट्स देन वॉट विल बी इट्स डायमेंशन सो दैट इज अ स्क्वायर रूट ठीक है सिमिलरली अगर मैं रूट के ऊपर डिग्री लिख दिया थ्री सो दिस इज अ क्यूब रूट ठीक है दिस इंप्लाइज पावर हाफ स्क्वायर रूट ए टू दाफ दिस एम्प्लाइज इफ दिस इज ए का क्यूब रूट ए टू दन बाई थ्री और अगर हमने डिग्री लिख दिया फोर बी फोर्थ रूट विल बी ए टन बाई फोर और इन जनरल इफ द इज रेडिकल हमने दिखा है पावर एन दिस क्या है डिग्री एन है ठीक है डिग्री एन सो दैट इम्प्लाइज दैट दिस इज इफ दिस इज फॉर द नंबर ए ए का एन एथ रूट निकाल रहे हैं दिस विल बी एन एथ रूट And this will be represented as a to the power one by n. A to the power one by n. Clear? Okay. So this is just the opposite of index. That is, we are power n, and here we are power one by n. Isn't it right so? Okay. So we have understood that. Not all radicals are certs. Not all radicals are roots are certs. Why? Because if the result of a radical is a rational number, then that is not a cert. Okay. If result of a radical, if this result is a rational number, then that won't be a cert. रिजल्ट इज इंबर ए के बारे में बात नहीं करें इस पूरे रिजल्ट के बारे में बात करें इफ रिजल्ट ऑफ दिस रूट और रेडिकल पावर कुछ भी हो सकता है पावर एन इफ दैट रिजल्ट इज अरल नंबर रिजल्ट विल ऑलवेज भी अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं स्क्वायर रूट ले रहे हैं किसी नंबर का लेटेस्ट वी आर टेक् स्क्वायर रूट ऑफ नाइन दैट रिजल्टिव नंबर मतलब क्या हुआ दिस इज लाइक एक्स इज इक्वल टू स्क् रूट ऑफ नाइन सो दिसर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है एक्स की पावर कितना आ रहा है लीनियर इक्वेशन है. है तो इसका सिर्फ एक रूट होगा एंड दैट विल बी ए पॉजिटिव रूट तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नाइन दैट विल हैव ओनली वन रिजल्ट विच इज प्लस थ्री बट इन स्टेड अगर हमारी इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन दिस इज अ डिफरेंट इक्वेशन दिस इज नॉट अ लियनियर इक्वेशन दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर टू है एक्स का सो वी विल होगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ नाइन सो बोथ आर डिफरेंट ठीक है सो इफ यू आर राइटिंग सो देर विल भी ओनली वन रूट एंड रूट पॉजिटिव रूट यानी प्लस थ्री बट इफ यू आर राइटिंग एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट नाइन सो दैट इंप्लाइज के एक्स के दो वैल्यूज होगा एक होगा प्लस थ्री और एक होगा माइनस इज दैट क्लियर तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है दोनों चीजों में इफ द इजर इक्वेशन इफ द इज रूट दैट विल ऑलवेज़ हैव अ पॉजिटिव सॉल्यूशन एंड इफ हैव टू सोल्यूशन ठीक है पॉजिटिव वैल्यू तो और एक होगा निगेटिव वैल्यू ओके इज दैट क्लियर ठीक है फाइन नाउ root of 36, cube root of 81, fourth root of 625, and fifth root of 32. Which of the following are thirds and which are not? The first value is, is square root of 36. So this is equal to 6. So definitely not a third. Second value is cube root of 81. एटी वन का पार फोर तो दिस विल बी थ्री टू पावर फोर बाई थ्री ठीक है देखो एटी वन इज थ्री टू और हम क्या कर रहे हैं वी आर टेकिंग क्यूब रूट ऑफ दिस वैल्यू तो थ्री टू पावर फोर का क्यूब रूट ले रहे हैं सो दिस इज थ्री टू टू दू होल पावर वन बाई थ्री ठीक है तो यह वैल्यूज क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज थ्री ट्र पार ए टू दी है ठीक है थ्री टू पावर होल पावर बी है

अब एक दो सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं सर्ड के जहां से हमें कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर होगा फिर उसके बाद में आगे और बातें देखते हैं ओके ऑफ अ लेट अस से वी हैव बीन गिवन स्क्वायर रूट ऑफ एटी नाउ वी कैन राइट दिस एट्टी एज सिक्सटीन इंटू फाइव इसको ऐसे दो पार्ट्स में हम ब्रेक कर रहे हैं जिसमें से कि एक पार्ट हमारा स्क्वायर है वन पार्ट इज अ स्क्वायर ठीक इंटू फाइव नॉट दिस सिक्सटीन इज फोर स्क्वायर सो वी कैन ब्रेक इफ अगर हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस दिसन स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई बी पूरे पे स्क्वायर रूट है सो दिस कैन ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ बी

इंटू क्यूब रूट ऑफ फाइव और ट्वेंटी सेवन का क्यूब रूट क्या है दिस इज इक्वल टू थ्री थ्री आ जाएगा थ्री इंटू क्यूब रूट ऑफ फाइव या फिर उसको ऐसे भी ले सकते थ्री इंटू फाइव टू दिन बाई थ्री सॉके तो बात होगी जब हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या फिर हमने मल्टीप्लीशन ऑफ सर्ड है या फिर उसका अपोजिट कर रहे हैं या डिविजन ऑफ सर्ड है ठीक है इफ वी हैव बीन गिवन टू सर्ड्स लेट अस से रूट थ्री प्लस रूट फाइव देन ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल टू रूट ऑफ थ्री प्लस फाइव ठीक है अगर माइनस भी होगा तो भी दीज आर नॉट इक्वल दीज आर नॉट इक्वल बट अगर हमें सेम सर्ड्स गिवन है लेटर से टू रूट थ्री प्लस फाइव रूट थ्री देन वी कैन डेफिनेटली एड बिकॉज दिस इज टू टाइम्स रूट थ्री दिस इज फाइव टाइम्स रूट थ्री रूट थ्री को कॉमन ले लोगे टू एंड फाइव कैन भी एडेट सो दिस विल भी इक्वल टू सेवन रूट थ्री ओके फाइन नॉलेट बिन गिवेन टू रूट फाइव प्लस रूट फोर्टी फाइव यह गिवेन है हमें अब रूट फाइव रूट फोर्टी फाइव तो डिफरेंट है बट टू फोर्टी फाइव कोफाई कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया ना सिमिलर इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या इनको एड करना पॉसिबल होगा तो टू रूट फाइव प्लस

ट विल ऑब्वियसली नॉट बी इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस बी और इन जनरल इन वैल्यूज को अगर डिफरेंट सर्ड है तो उनको हम ऐड नहीं कर पाएंगे यानी कि उनको वैसे का वैसा ही लिखना पड़ेगा हमको उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्लियर ठीक है ओके अब एक और एक्सप्रेशन ऐसे ही देख लेते हैं जिसको सिंपलवाई कर लेते हैं लेट एस सेवन नाइन रूट सिक्सटी माइनस टू रूट फिफ्टीन डिवाइडेड बाई रूट फाइव नाउ टू सिंप्लीफाई दिस वैल्यू नाइन रूट सिक्सटी माइनस टू रूट फिफ्टीन डिवाइड एक बार अपने क्या वैल्यू तुम निकाल पा रहे हो क्या इसको सिंप्लॉई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो ठीक है देखो अब अगेन यहां पर भी चेक करते हैं सबसे पहले रूट सिक्सटी को देखते हैं रूट सिक्सटी क्या है दिस इज रूट ऑफ फिफ्टीन इंटू फोर सो दिस कैन ब्र रूट ऑफ फिफ्टीन इंटू रूट ऑफ फोर रूट ऑफ फोर तो टू आ जाएगा टू आ जाएगा सो दिस विल बिकम टू रूट फिफ्टीन टू रूट फिफ्टीन हो जाएगा सो नाउ वी कैन राइट दिस नाइन इंटू टू रूट फिफ्टीन माइनस टू रूट फिफ्टीन डिवाइडेड बाई रूट फाइव ओके सो टू रूट फिफ्टीन कोमन ले लो न्यूमरेटर में अंदर बच जाएगा हमारा नाइन माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट फाइव नाइन माइनस वन इज एट एट इंटू टू सिक्सटीन सिक्सटीन टाइम्स बाई रूट फाइव और रूट फिफ्टीन को फिर हम ब्रेक कर सकते हैं रूट फाइव इंटू रूट थ्री में तो दिस बिकम सिक्सटीन टाइम्स रूट फाइव इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट फाइव रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा सिक्सटीन रूट थ्री विल बी अवर सिंप्लीफाइड वैल्यू इज एंड इज दैट क्लियर ठीक है क्या ये बात समझ में आती है सो so, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं आई बिलीव कि जो भी बेसिक्स हमने किया है इंडिसस का और सर्स का ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा कहीं भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एंड इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट देन यू कैन लाइक द सेशन और एंड डेफिनेटली अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना कल के सेशन से विल बी नेक्स्ट सेशन से हम लोग क्वेश्चंस को और बेटर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और पूरे क्वेश्चंस को कॉम्प्रेनिसविवली कवर अप करेंगे पूरे टॉपिक को कवर अप करेंगे हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जैसे आज किया और फिर इसके बाद में एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ठीक है दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन और अगर सेशन पसंद आए उसको लाइक जरूर करना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना बाय टेक केयर